बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदाका सियाल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम सब लोग भी ठीक हैं। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। पहली बात तो ये कि मैंने अभी अभी मीठी चाय पी है और मेरी मूछों पे लग गई है चाय, बड़ी मीठी मीठी फील हो रही है मुझे। तो ये भी अब कटवाने वाली हो गई है, बाल भी कटवाने वाले हो गए। आज मैंने पहली दफ़ा इतनी महंगी शॉपिंग की है। ये आप लोगों को एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा और इसको खोलना नहीं, अभी नहीं खोलना। बड़ी महंगी शॉपिंग किया मैं जी, डब्बे को बंद करके रखे, इसको हाथ ना लगाने थे। तो मैंने कहा जी की कहा पे शॉपिंग आपने, मुझे तो हमें तो बताया भी नहीं है। तो आपको नहीं ना पता मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है। अच्छा, अच्छा, हाँ जी। तो बड़ी महंगी शॉपिंग की है, मैंने कहा भाई सबको दिखाते हैं। बस देख ले, मेरा तो दिल ही था खुश हो गया। सारे तो सेंधा ने था पाउंड ने शॉपिंग करा रहे हैं। आज मैं देख के हूं जंग सिटी में जे डॉट की एक आउटलेट बनी है। अच्छा, आप तो वहां से भी कपड़े खरीद सकते हैं। जा ले आ, ले आ। तो मैंने तो बहुत ही मैं खरीद के आने लगा हूं। तो ले आने थे, मैंने तो मंगवा लिए। मैंने से मेरा भी कोई ना कोई होगा। तुम्हारा भाई कोई नहीं है, है। मैंने खुद तसल्ली के साथ सारी चीजें अपने नाप की मंगवाई हैं। मैं पूरी कर लूंगा तुझे। तो दिखाते हैं सबको और फिर चेयर्स करते हैं। तो डब्बे को खोलना स्टार्ट करते हैं। सारी चीजें फिलहाल तो मेरी हैं, फिर बाद में देख लेंगे। वसीम को कोई मैंने चीज यूज करने दी तो अगर इसने कॉम्प्रोमाइज किया मेरे साथ। मैं देख रहा हूँ ना, पहले आपने खोले सब कुछ देख रहे हैं, अब अम्मा बाबा को दिखा रहा है। मैं सबको खुश कर रहा है, चीजें तो पूरी करनी थी ना। तो एक ये शर्ट है, ये तो मैं पहनूंगा तेरे। ये मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे पहनते हैं। इस तरह का तो मुबशर पहनता है यार। ये देखें जी सर, छोटी है ये, पूरी है, छोटी है। मीडियम है, पूरी है। ये देख ले, मैं भी ट्राई करूंगा फिर दिखाऊंगा। ये कहीं सर्दियों की तो नहीं लग रही यार, बड़ी मजे की लग रही है ये, देखो ना। ये तसल्ली ले रहा है ऐसे ही। और एक और शर्ट, हाँ इसका मुंह मुंह देखे इसका। अभी नहीं, एक ये शर्ट आ गई है। वाह क्या कमाल की शर्ट है, जबरदस्त। ये देखे ना, ये वाली चीज मुझे बड़ी पसंद है, ये वाली टाकी लगी हो ना भिकारियों वाली। महंगी शॉपिंग की है ना, 1700 की शर्ट है ये, कौन लेता है इतनी, 500-700 की मिल जाती है। एक ये देख, ये तो फजूल है, बहुत ही फजूल है। तुम्हें लग रहा है ना फजूल है, मैंने आज तक क्योंकि तूने पहनी नहीं है। अच्छा अगली मैं दिखाता हूं, मैं ये मेरी फेवरेट, मैं ये पक्की बात है ना भाई, ये जीन, इसका मैंने अलग से बिल भेजा है, 3000 की देख ले। अच्छा 2 पीसेस 1500 की, ये वाली शर्ट, ये भी तो ही पहनी, पहनता ही रहूंगा। ये शर्ट अम्मा, ये चेक कर ना शर्ट, ये वाली हाँ सही है, अच्छी है। मैं आता हाँ सही है, ये भी तू पहनी साथ साथ, मैं भी पहनता रहूंगा। शर्ट अच्छी है ना, आंखों तो सही अच्छी है, अच्छी अम्मा मेरी फेवरेट चीज और है, आंखों तो ये वाली मेरी फेवरेट है भाई, ये वाली तो, ये तो पक्की पहनूंगा, मान ना मान, ये तो समझ मेरी है। ये देख पहन, ये भी बड़ा जबरदस्त कलर है ये वाला। हाँ, ये पैंट मैं पहनूंगा, ये तुझे वैसे नहीं पूरी आनी, इसकी वेस्ट चेक कर, ये मुझे पूरी है, नहीं मैं तुझे करके दिखाता हूँ। अच्छा पहन ले जो बस, ये कॉम्बिनेशन भी बड़ा जबरदस्त बनेगा। हाँ तो ये मैं खुद तसल्ली से पहनूंगा ना, ये मुझे ना थोड़ी सी वेस्ट का इशू आ रहा है, कहीं वेस्ट कम ना हो। हाँ ये कम ही है, मैं भी नई वीडियो शुरू करूंगा ना, उसमें पहन के ये वीडियो। अभी मैंने नई वीडियो शुरू करनी है तो मैं ये वाला सूट के साथ आपको नजर आऊंगा। पता नहीं, मुझे लगता है मुझे बड़ी होनी है, मुझे ये वाली शायद पूरी आ जाए। किधर गई है ये वाली शायद पूरी आ जाए।
उसने ली बड़ी बड़ी है मैंने पूरी ना है नहीं, 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 नहीं बड़ी नहीं है मुझे तो फिट है ना बात छोटी मैं भी पहन के आता हूँ ये तो मुबशर को पूरी आई है पहली तो छोटी निकली उतारो दूसरी चेक करो ये बहुत बुरा हुआ मेरे साथ ये छोटी लग रही है बगैर पूछे साबुन का नुकसान ये है ये देख ये मुझे बड़ी लग रही है ना नहीं पूरी है इतनी तो होनी चाहिए इसे थोड़ी सी ना फिटिंग करवा लूंगा ये पूरी है ये पूरी है और ऐसे ऐसे ये मुझे जबरदस्त लग रही है फिटिंग इसकी मैं थोड़ी सी ना करवा लूंगा बड़ा खुश हो रहा है तो क्या क्या मैचिंग होगी यार ये भी छोटी तो नहीं है ये मुझे सही आएगी बस ये पूरी है ये मुझे पूरी आएगी इसलिए तो मैंने कहा बाकी तीन तो पूरी हैं हां तो मुझे ये सही पूरी आएगी ना लेंथ में सही आएगी ना लेंथ में सही आएगी ये पूरी है चंगी लगी तीन तो पूरी हैं और एक ये वाली जो है ना ये पूरी नहीं हुई इसका कोई वापस करने का जुगाड़ लगाते हैं अगर लगता है तो वादे घाटे होते रहते हैं शॉपिंग में वादे घाटे हो गए हैं मुझे बाकी पैंटे जो हैं वो पूरी होंगी वो नंबर क्योंकि नंबर के हिसाब से होती हैं तो वो एग्जैक्ट नंबर है करना है मुबशर को दे देंगे मुबशर को ना पूरी होगी हाँ जी तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी दिनों से मैं सीलिंग के लिए और बॉर्डर के लिए डिज़ाइन पसंद कर रहा था तो काफ़ी तगड़ो की है और काफ़ी चीज़ें मैंने सर्च की हैं तो फाइनली मेरे माइंड में जो चीज़ थी वो मुझे मिल गई है थोड़ी सी कमी है और ये हमारे पास जो बॉर्डर है इसमें थोड़ी सी कमी है क्योंकि ये थोड़ा सा जो इसमें डिज़ाइन है ना वो ज़्यादा उठा हुआ नहीं है थोड़ा सा बारीक है और दूसरा जो फ़ैन के लिए मैंने डिज़ाइन चूज़ किया है वो ये वाला है अम्मा जी देखें आप भी हाँ जी ये ज़्यादा खूबसूरत है ये देखें ना ऊपर बेल वगैरह बनी हुई है डिज़ाइन बना हुआ है तो मैं क्या सोच रहा था मैं ये सोच रहा था भाई ये वाला जो डिज़ाइन ऊपर बेल बनी हुई है ना इसके ऊपर या तो हम गोल्डन कलर करेंगे या फिर सिल्वर ये बहुत जचेगा यहाँ पे और इधर इसी तरह जो फ़ैन के लिए हमने ये फूल चूज़ किया है इसके ऊपर जो बेल्स वगैरह बनी हुई हैं और डिज़ाइन बने हुए हैं इसके ऊपर हम करेंगे वही गोल्डन या सिल्वर कलर तो ये सारी चीज़ें जो है ना सिल्वर सिल्वर या गोल्डन गोल्डन लगेंगी बहुत खूबसूरत लगेंगी टाइम लगेगा क्योंकि इनके जो बेल्स हैं इनके ऊपर ऊपर सिर्फ हमने कलर करना है 2 महीने की छुट्टियां गर्मियों की होने वाली हैं जो 2 महीने है ना वो इन्हीं बेल्स के ऊपर मैं कलर करने में लगाऊंगा बिजी तो रहना है ना कहीं ना कहीं तो इंशाल्लाह ये मैं बहुत खूबसूरत डिज़ाइन तैयार करवाऊँगा क्या हो गया कमरों को हाँ जी ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखें बड़ा सीलिंग वालों को बताया तो है कि मुझे डिजाइन पसंद आ गया है वो आ जाएंगे आज कल तक परसों तक 1-2 दिन में आ जाएंगे ये कितने खूबसूरत डिजाइन बने पड़े हैं ये देखे तो काम चलता रहा है ना इस वजह से ये देखे कितना खूबसूरत फूल बना पड़ा है यहाँ ऊपर फैन लगेगा और इसके नीचे ये एक फूल बना पड़ा है ये चले जब अब यहाँ रहता ही कोई नहीं तो फिर इधर ये देखें कितना खूबसूरत डिजाइन बना पड़ा है इसमें ये केबल के डब्बे भी पड़े हैं और साथ में शापर भी पड़े हैं फिर गई मुझे बताया ही नहीं मैं तो समझा था कि भाई वो कंफर्म है फिर क्यों उसने बुलाया दोबारा फोन कर के बंदे संदे आए भाई मैं फ्रेम बनाई बैठा थे आके अम्मा ने लाया हूं क्यों ना दोबारा करना है कोई मसला मसला है कल ना हो अच्छा
अभी शाम का वक्त होने वाला है और अभी यहाँ फसलों की तरफ निकला हूँ, तो आज बहुत खूबसूरत माहौल बना हुआ है यहाँ पे, क्योंकि आज ज़्यादा हबस भी नहीं फील हो रही और हल्की हल्की हवा फील हो रही है। ये इधर हमारे ही फसल में एक किकर का दरख्त है और इसके ऊपर अक्सर यहाँ पे चिड़ियों के घोंसले लगे रहते हैं और इस तरह से ये लटके हुए होते हैं, लंबे लंबे घोंसले। ये इधर धान की पनीरी की बुआई हुई पड़ी है और इसके ऊपर ये जो पांदे होते हैं कमाद के, वो डाले हुए हैं, क्योंकि ये जो धान के बीज होते हैं ना, जब नरम होते हैं तो बड़े मीठे मीठे और अच्छे लगने लग जाते हैं परिंदों को, तो ये यहाँ से फिर निकाल के खा जाते हैं। तो एक तो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और परिंदों से भी बचाने के लिए इसके ऊपर ये जो कमाद के पांदे हैं वो डाले जाते हैं। ये मैंने शरबत बजूरी का बड़ा मग भर के बनाया है जी, बहुत ठंडा ठंडा और मज़ेदार बना है। तो ये तकरीबन एक लीटर के करीब होगा, तो सारे का सारा मैं पीने जा रहा हूँ, क्योंकि बोतल में आखिरी चंद कतरे पड़े थे शरबत के, तो उसमें मैंने सारा पानी डाल के इस मग को भर लिया है। इसके काफ़ी फ़ायदे हैं, पहली बात तो ये कि इससे प्यास जो है वो बहुत कम लगती है, और दूसरी बात ये कि अगर सीने में जलन वगैरह होती है आपको, तो ये जलन वगैरह जो है ना आसानी के साथ ख़त्म कर देता है। मैं ये दिन में एक दफ़ा पी लूँ ना तो काफ़ी सुकून से रहता हूँ, मतलब गर्मी पे काफ़ी घूमता फिरता हूँ, इतना ज़्यादा सफ़र गर्मी पे करता हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा शिद्दत की प्यास मुझे नहीं महसूस होती ये वाला शरबत पीने से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे आप सब से एक ज़रूरी बात करनी थी, वो ये कि मुझे ना अब मेरी वीडियोस पे काफ़ी कमेंट्स आते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि मेरे नाम से ना फेसबुक पे एक पेज बना हुआ है और वो मेरी वीडियोस यूज़ करता है और अपलोड करता है। मैंने काफ़ी सर्च वगैरह किया है फेसबुक पे, लेकिन मुझे अपने नाम से कोई ऐसा पेज नहीं मिला जिसने मेरी वीडियोज़ को यूज़ किया हुआ हो। बस मेरा एक ही पेज बना हुआ है, वो मिंटो की माँ के नाम से बना हुआ है, उसका मैंने अभी तक नाम चेंज नहीं किया, तो जल्दी उसका नाम भी इंशाल्लाह मैं चेंज कर दूँगा, लेकिन पेज मेरा एक ही है और उस पर मैंने अभी तक कुछ वीडियोस अपलोड की हैं, सारे वीडियोस अपलोड नहीं की, लेकिन मुझे बताया गया कि वो पेज जो है मेरे नाम से बना हुआ है और मेरी ही वीडियोस को अपलोड कर रहा है। अगर आप में से किसी ने वो वाली वीडियोस देखी हैं जिसको लगता है कि वो किसी फेक पेज पर अपलोड की गई हैं, मेरा नाम यूज़ किया गया है, तो प्लीज़ मुझे उसका लिंक ज़रूर सेंड कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक और फेसबुक का लिंक जो है आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं उस वीडियो का लिंक, या स्क्रीनशॉट जो है वो लेके सेंड कर सकते हैं। तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी अगर आप ये कर दें, तो मैं फिर उनको कोई स्ट्राइक वगैरह भेजूँगा और उनका पेज वगैरह जो है ना वो ब्लॉक करवा दूँगा। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।